कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय में 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ट्रिपल लेयर सुरक्षा में ईवीएम मशीन को रखा गया है। उन्होंने बताया कि करीब 4,000 कर्मचारी और 1,000 पुलिसकर्मी मतगणना वाले दिन तैनात रहेंगे। जेडीबी कॉलेज में मतगणना के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए मोबाइल इलेक्ट्रिक आइटम लाना बैन रहेगा। वही मतगणना रुझान के लिए बाहर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। वही गर्मी को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था जेडीबी कॉलेज में की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि 6 जून तक धारा 144 लागू की गई है। किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। कि आज जो मीटिंग हमने हमारे मीडिया के साथियों, क्योंकि निर्वाचन विभाग का ये मानना है कि इलेक्शन की प्रोसेस में मीडिया एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है और वो वैल्यूएबल इनपुट्स अवेलेबल कराता है, जिसके आधार पे कोटा में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। तो मैं आज एक तो ये धन्यवाद देने के लिए कि आप सभी साथियों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, तो हम उसमें वोटिंग हमारी शांतिपूर्ण हुई और आप सब ने जो सहयोग किया उसके लिए, और काउंटिंग में मीडिया के साथियों के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं और किस तरह से उनका टाइमली उनको अपडेट मिल जाए, उस पर ये बैठक की गई है। तो उसमें सारी बातें मीडिया को हमने बताई है। और तैयारियों की जहाँ तक बात है, गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं इस बार की जाएंगी और कानून व्यवस्था को लेकर, और जो टाइम से हमारा काउंटिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग वगैरह हमने करा दी है। हमारे जो 2 काउंटिंग ऑब्जर्वर लगाए हैं वो भी 1 तारीख या 2 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो काउंटिंग की सभी व्यवस्थाएं हमने लगभग अब अंतिम चरण में हैं और तैयारियां जारी हैं, और 4 तारीख को 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी।